कप्तान विराट कोहली ने 2018 में भारत के नंबर वन सेलिब्रिटी एंडोर्सर के रूप में अपनी रैंकिंग बरकरार रखी है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भारत के सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाली शख्सियत बन गए हैं। इस क्रिकेटर ने ब्रांड वैल्यू के मामले में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 2018 में विराट की ब्रांड वैल्यू 1200 करोड़ रुपए रही। इस मामले में शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन तक उनसे काफी पीछे हैं। ये खुलासा टफ एंड पी हेल्प्स द बोल्ड द ब्यूटीफुल एंड द ब्रिलियंट नामक सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 20 सेलिब्रिटीज की ब्रांड वैल्यू तकरीबन 62,000 करोड़ रुपए रही। इनमें टॉप 10 सेलिब्रिटीज की हिस्सेदारी करीब 75% रही। विराट के बाद दीपिका 723 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर हैं। विराट और अनुष्का 40 से अधिक ब्रांड एंडोर्स करते हैं। ब्रांड वैल्यू के मामले में बाकी 20 सेलिब्रिटीज में बॉलीवुड स्टार्स का दबदबा है, लेकिन खेल जगत के दिग्गजों से उन्हें तगड़ा कॉम्पिटिशन मिल रहा है। विराट कोहली को इस रिपोर्ट में पहला स्थान मिला है, तो वहीं सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और पीवी सिंधु की कुल ब्रांड वैल्यू 1700 करोड़ रुपए है। ये टॉप 20 सेलिब्रिटीज की कुल ब्रांड वैल्यू का 27% है। भारत में ब्रांड वैल्यू के मामले में विराट कोहली लगातार दूसरे साल भी टॉप पर बरकरार है। साल 2017 के मुकाबले 2018 में उनकी ब्रांड वैल्यू में 18% की बढ़ोतरी हुई है। विराट अपनी पत्नी अनुष्का के साथ तकरीबन 40 ब्रांड एंडोर्स करते हैं। इसमें हेड एंड शोल्डर, पेप्सी, मान्यवर, सिलिकॉन, बूस्ट, ऑडी, फास्ट ट्रैक, जियोनी, रॉन्ग और पोलराइड शामिल है। ये थे हमारे ब्रांड वैल्यू वाले टॉप 10 स्टार्स।